नाबालिग बच्ची को स्कूल जाने से रोक दिया गया। उसे डराया धमकाया जाता था कि घर से बाहर कदम रखी तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएगी। अगल बगल और नाते रिश्तेदारों का घर वाले ज्यादा सुना करते थे। बच्ची के बढ़ते कदम को रोक दिया गया। उसे हड़काया जाता था कि अगर वो बात नहीं मानी तो उसकी शादी करा दी जाएगी। उसे घर में ही रहने को मजबूर कर दिया गया। बच्ची बुरी तरह से डर सहम गई। वो घर वालों के बर्ताव से खुश नहीं थी। कभी कभी उसे मारा पीटा भी जाता था। अचानक बच्ची गायब हो गई। मामला बालूमाथ थाना तक पहुंचा। किडनैपिंग का केस दर्ज कराया गया। गठित एक स्पेशल टीम ने अपहृत बच्ची को रांची के एक मोहल्ले से खोज निकाला। रांची में कमलेश प्रजापति ने उसे एक अलग कमरा लेकर छुपा रखा था। पकड़े जाने के बाद बच्ची ने सारा राज पुलिस के सामने उगल दिया। बच्ची का अपहरण नहीं किया गया था, वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग गई थी। उसने ऐसी झूठी कहानी गढ़ी कि हर किसी को यही लगा कि उसका किडनैप कर लिया गया है। कहानी गढ़ने से पहले उसने अपनी एक सहेली से बोली थी कि वो घर छोड़कर भाग जाएगी। इस बात का खुलासा आज लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने मीडिया के सामने किया। सुनिए क्या बोले लातेहार के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन। 7 तारीख को इसी महीने के बालूमाथ से एक नाबालिग बच्ची मिसिंग थी। हालांकि अपहरण का उसके ऊपर एक उसके अगेंस्ट में केस कराया गया था। इसके बाद एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें उस समय जो बालूमाथ में सर्किल इंस्पेक्टर हैं शशि रंजन, उनके नेतृत्व में, साथ में DSP साहब भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने बच्ची को बरामद कर लिया था और उसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है कमलेश प्रजापति का। बच्ची की बरामदगी रांची से हुई है और ये पूरा मामला इस प्रकार का सामने आया है कि बच्ची का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपने अपहरण को फेक किया था और इस तरह से एक साजिश रची गई थी जिससे ये अपहरण जैसा प्रतीत हो। इसमें काफ़ी साइंटिफिक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें सीन को रिक्रिएट किया था, 2 बार डॉग स्क्वाड की भी मदद थी, कई लोगों से पूछताछ किया, कई जगह पे छापेमारी भी की गई। जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि बच्ची पिछले करीब 6 महीने से घर में खुश नहीं थी और उसको स्कूल जाने से रोका जाता था। उसके घर वालों का कुछ लोगों ने दबाव भी बनाया था कि अगर तुम नहीं हमारी बात मानोगे तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। कभी कभार मारपीट भी किया जाता था। तो बच्ची भी पूर्व में कई बार अपने दोस्तों से कहती थी कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी और अपने एक सहेली की मदद से वो अपने घर से निकली और उसके बाद मकैया टाट होते हुए रांची चली गई। वहाँ उसको जिसने शरण दिया, जिसने उसको रखा, उसके लिए अलग से रूम वगैरह कराया था और उसकी अरेस्टिंग हुई है क्योंकि वो इसमें उसका एक कम्प्लिस है। और बच्ची को बरामद करके उसका हम लोगों ने CWC के समक्ष भी प्रोड्यूस किया था। बाद में उसका कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया और अभी वो अपने माता पिता के पास उसको सौंप दिया गया है।